इसके प्रायोजक हैं फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर कॉलेज रोड रीवा, नेशनल अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर नया बस स्टैंड रीवा और उत्सव राजविलास। शादी बारात के लिए रीवा की सर्वश्रेष्ठ जगह धोबिया टंकी रीवा। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मऊगंज विधानसभा की बात की जाए तो नवनिर्मित मऊगंज विधानसभा में एक और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधी टक्कर नजर आ रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहां पर आम आदमी पार्टी भी अपना स्थान बनाती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी का साफ तौर से कहना है, जिस तरीके से मुझे यहां समर्थन मिल रहा है उसको लेकर मैं यहां पर काफी अस्वस्थ हूं। उनकी नाराजगी साफ तौर से नजर आई भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक और प्रत्याशी को लेकर। आइए आपको सुनाते हैं पत्रकारों से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने मऊगंज में एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसने एक पुस्तक लिखी थी अंबेडकर और पैरियर की दृष्टि में, उसमें कुछ ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल था जिसको यहाँ पर नहीं कहा जा सकता। क्या लगता है आपको, क्या उनका ये सनातन धर्म ये ठीक काम था? आपको सिर्फ वो पुस्तक दिख रही है, इनके पिछले कुकर्म आपको नहीं दिख रहे हैं कि इसी मऊगंज की धरती के मलईगवां गांव में यही प्रदीप पटेल ने तुलसी और रामायण को पे जो है पेशाब किया था और आग लगाया था। उस समय ये बहुजन समाज पार्टी में थे, और अभी जो आप किताब बता रहे हैं तो हम भाजपा के कथनी और करनी पे जो अंतर है उसको आप लोग भी देख रहे हैं, पूरे देश की जनता देख रही है। इस बार शिवराज सिंह का झूठ नहीं चलेगा, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को हटाओ और तीसरा विकल्प लाओ, ये चल रहा है, यही चल के रहेगा। आप कह रहे हैं कि शिवराज का जादू नहीं चलेगा, लेकिन शिवराज ने तो जिला बना दिया। जिला शिवराज सिंह ने नहीं बनाया है, जनता ने इस तरह से मजबूर कर दिया है कि इनको घोषणा करनी पड़ी, नहीं शिवराज सिंह जब तक जिला न बनाते मऊगंज नहीं आ पा रहे थे। मऊगंज के जिला बनाने की घोषणा किए हैं तब यहाँ आए हैं, नहीं जनता ने ऐलान कर दिया था कि इस बार मऊगंज में आपकी कोई आम सभा नहीं होने देंगे, और ये मऊगंज की जनता का श्रेय है न कि कांग्रेस और भाजपा का श्रेय है। मऊगंज की जनता को आप क्या वादे करने जा रहे हैं कि क्या हम विधायक बनने के बाद हम यहाँ पर क्या क्या करेंगे? हम इनके हर दुख सुख में साथ रहेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य और ये जो आवारा पशुओं का है, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके लिए हम बराबर इनके साथ संघर्ष करेंगे और इनको खुशहाली के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और करेंगे। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।